नाउ वी आर डिस्कसिंग इट्स लैंग्वेज वर्क और लैंग्वेज वर्क में इसमें जो कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो आए थे कम्पाउंड वर्ड्स जो थे या जो ये कॉलम्स uh, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने थे ये ऑलरेडी हमने देख लिए और जो फ्रेजल वर्ब्स का टॉपिक था वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द एडियम्स आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज ईडियम्स जो माहौरे होते हैं ईडियमेटिक एक्सप्रेशन या एडियम्स जिनको आप कहते हैं जो अंग्रेजी जबान में जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत हैं जिससे आपकी जबान में एक चाशनी आ जाती है आपका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मीनिंग बन जाता है और आपकी जो जबान है उसमें एक बोल चाल जो होती है या आपकी जो राइटिंग है इसमें एक मजबूती आती है इसमें एक मेचोरिटी आती है तो जो ईडियम्स हैं इनकी यहाँ पर डेफिनेशन दी गई हैं इडियम्स आर ग्रुप ऑफ़ वर्ड्स विद फिक्सड ऑर्डर ईडियम्स भी फ्रेजल वर्ब्स की तरह होते हैं ये वर्ड्स दो तीन या चार वर्ड्स जो होते हैं उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा जाता है एंड अ मीनिंग और इनका जो मीनिंग जो होता है वो भी बड़ा पर्टिक िकुलराइज हो जाता है वो भी बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है डिफरेंट फ्राम द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दियर वर्ड्स पुट टुगेदर अगर इन वर्ड्स को हम अलग अलग रखेंगे तो इनका जो मीनिंग है या अगर इन वर्ड्स का जो इंडिविजुअल लेवल पर हम मीनिंग देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा लेकिन जब हम इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं तो इनका एक अलग ही मीनिंग बन जाता है इन अदर वर्ड्स दे आर द टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए लैंग्वेज विद विद्सड ऑर्डर अगर हम इनको इन जनरल देखेंगे तो हर जबान में कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं कुछ पर्टिकुलर कुछ वो एडियमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं कुछ महावरे होते हैं कुछ ऐसी लाइनस होती हैं जिनका एक मखसूस एक मीनिंग बन जाता है फ्रेजल वर्ब्स कैन ऑल्सो दे आर सेट टू बी भी एडियमेटिकार मीनिंग इज़ अनप्रडिक्टेबल लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो फ्रेजल वो भी कहीं कहींटिक एक्सप्रेशन जाते, जाते हैं अगर उनका जो मीनिंग है जो अनप्रडिक्ट हो उस मीनिंग को हम स्पीसीफाई न कर सके पर्टिकुलर कर सके या फिक्स ना कर सके फॉर एग्जाम्पल डू यू नो वट इट मीनस टू मीट वन मैज इन इंग्लिश इंग्लिश में एकडियोटिक्सप्रेशन uh, है मीट वैच जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं खासकर अगर कहीं परम्पिटिशन है या कोई मुकाबला है तो वहाँ पर एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती हैं इट मीनस टू मीट इज़ एज गुड एज़ वन सेल्फ और इवन बेटर इसका जो मीनिंग है कि आपका किसी ऐसे के साथ सामना हो जाए किसी ऐसे बंदे के साथ जो आपके जैसा अच्छा हो आपके जैसा सलाहियत वाला हो या आपसे भी बेटर हो इन सम स्किल और क्वालिटी चाहे उसकी स्किल कोई महारत आपसे अच्छी हो या कोई क्वालिटी कोई कोई सिपत आपसे हो जो अपने टक्कर कहो, हो अपनी लेवल कहो, हो दैट इज़ मीट वन मैच उसी को कहते हैं डू यू नो वट इट मीन्स टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लेकिन इंग्लिश में एक और इडियम है एक और माहौरा है लेट द कैट आउट ऑफ बैग जिसको उर्दू में हम कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर तो या बिल्ली को थैले से बाहर जाना कैन यू गैस आप इसका मीनिंग गैस कर सकते हो ये हम कहीं पे इसका जो अलग अलग जो सिचुएशनल मीनिंग बन जाते हैं कहीं कहीं पे हम देखते हैं द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग ये जो कैट है ये बैग से बाहर निकल गई दैट मीन जो ये प्रॉब्लम थी जिसको कंट्रोल पहले हम कर सकते थे अब ये कंट्रोल से बाहर हो गई या कोई इशू जो है वो अब पब्लिक हो गया है सबके सामने आ गए हैं अब ये सिक्रेट नहीं रहा है तो उस सेंस में हम ये जो ऐडियम्स या एडियम एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं हमें इनके जो मीनिंग्स हैं वो समझने हैं फ्यू सेंटे फ्राम द टेक्सट विच हैव एडियमेटिक एक्सप्रेशन कैन यू से वट ईच मीन्स यू मे कंसल्ट एर डिक्शनरी फर्स्ट और यहां पे कुछ ही एडियमेटिक एक्सप्रेशं दी गई हैं क्या आप उनके जो मीनिंग्स समझ सकते हैं एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी इफ यू डोंट नो वट द मीन वट द एम्पलाई अगर आपको इनकी जो मीनिंग्स हैं या इनकी जो सुझ शुद सु, है वो पता नहीं है तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हो फॉर एग्जाम्पल आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन बोट्स जो यहाँ पर लेसन में ये लाइन आई थी कि हमारा जो पूरा क्लास है वो अपनी बोट्स में क्विक हो रहा है क्विक असल में हिलना डुलना जो अर्थ को जैसे होता है तो क्वैकिंग एनर्ट बूट्स मीनस टू फील नर्वसनेस जब आप नर्वस हो और नर्वसनेस की वजह से आप इधर उधर कर रहे हो आप इधर उधर मोमेंट कर रहे हो आप वो ईज़ या कंफर्ट के साथ नहीं बैठ सकते तो उस सेंस में हम ये कहते हैं क्विकिंग इन इट इज़ बूट्स वो हिलना डुलना या नर्वसनेस फील करना वो शिवर करना उस सेंस में ये इस्तेमाल होता है दैन दियर इज़ अनटिल दैन वी कीप टैलिंग टिंग नॉट टू लूज़ हॉट तो वो जो एनी जो कह रही है कि जब हमारा रिजल्ट आने वाला था तो हम एक दूसरे से कह रहे थे कि दैट नॉट टू लूज हॉट अपनी उम्मीद को मत उम्मीद मत हारो या अपना दिल मत हारो तो उस सेंस में टू लूज कॉरेज हिम्मत हारना और फील ट्रबल्ड या ट्रबल फ़ील करना मुश्किल में फंस जाना या जो टू लूज़ हॉट हिम्मत हारना उस सेंस में ये चीज़ ये यह, जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ये इस्तेमाल हुई है दैन दियर इज़ मिस्टर की सिंग वॉज विद मी फॉर एज बिकॉज आई टॉक सो मच और यहाँ पे जो एनी फ्रैंक कह रहे हैं दैट दिस टीचर पर दिस वॉज इज़ हर मैथ टीचर ज एनोड विद हिम फॉर एज वो बहुत सारे टाइम से एक ज़माने से बड़ा तंग था इस uh, एनी फ्रेंड से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी me for ages means from a long time काफ़ी वक्त से काफ़ी टाइम से वो इस बच्ची से तंग आ गया था जो इनका ये टीचर था मिस्टर की सिंह बिकॉज शी वॉज टॉकिंग टू मच लाइक ए चैटर बॉक्स वो एक चैटर बॉक्स की तरह बहुत ज़्यादा बातें करती थी तो जो टीचर था चूँकि उसने इस काफ़ी टाइम से पढ़ाया था काफ़ी वक्त से पढ़ाया था काफ़ी सालों से पढ़ाया था दैट मीन्स हियर मी फॉर एज एक ज़माने से एक दौर से वो जो टीचर हैं वो इसकी बातें सुन के तंग आ गया था एंड देन दियर इज़ यहाँ पे जो जो है वो इस तरह से है मिस्टर की सिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विध इज रेडिक्युलस सब्जेक्ट बट आई वुड मे एक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम जो मिस्टर की सिंग था वो इस बच्ची का वो एक मजाक बनाना चाहता था इसका जो ये रेडिक्युलसजेक्ट देता था इसको जो ये अलग अलग जो अजीब गिरी के टॉपिक्स देता था जिसपे इसको एसेज लिखने होते थे कुछ कंपोजिशन लिखनी होती थी बट आई वुड मे एक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम बट दिस एनी फ्रेंक स्टैलिंग दैट शी मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम ये जो जो है ये उसी पर होना चाहिए था दैट मीन ट्राइंग टू मेक समूल इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है एक एडिमेटिकेशन है उसका मीनिंग है किसी को बेवकू बनाना या किसी को बेवकू बनाना बाई रेडिक्यूलिंग हिम उस पर मजाक uh, जो उड़ाना या उस पर कोई जोक बनाना या उस पर कोई हंसना इस इस सेंस में ये जो एक्सप्रेशन है ये इस्तेमाल हुई हैं एंड देन देर आर सम्रेशन हेर एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंस ऑन दीज वेरी एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आपको इन पर कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रही है यार फ्यू फ्यू मोर इडियोटिकेशन दर ऑकर इन द टेक्सट ये भी इसी लेसन में आई है ये एक्सप्रेशन ट्राई टू यूज़ दम इन द ऑफ योर होना आप अपने लेवल पर इन पर कुछ सेंटेंसज बनाने की कोशिश करो फॉर एक्जाम्पल यहाँ पे हैं कॉट माई आई कॉट माई आई मीन्स कॉट योर अटेंशन किसी चीज़ पे आपकी नजर पड़ना है अचानक से लाफ आवर सेल्विस से लिए अपनी बेवकूफी पे हंसना या बेवकूफी की तरह हंसना ही हैड एनफ मीन्स उसने काफ़ी सब्र किया उसने काफ़ी बर्दाश्त किया कॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू अपने आप को किसी पॉइंट पे या किसी चीज़ की तरह मायल न कर सकना किसी चीज़ की तरह अपने आप को कॉन्वेंस नहीं कर सकना या इंकलाइन नहीं कर सकना तो उस सेंस uh, में ये जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन तो आई है फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे इसकी जो पहली एक्सप्रेशन है दैट इज़ कॉट मई आई टू हैव लुक एट समथिंग सडनली अचानक से किसी चीज़ पे नजर पड़ना सेंटेंस जो इसका है वाइल्ड टॉकिंग विद माई ब्रादर द इंजरी ऑन इज फोर एट कॉट मई आई जब मैं अपने भाई से बात कर रही थी तो अचानक मुझे उसके जो जो माथे पर जख्म लगा था खाव लगा था उस पर मेरी नज़र पड़ गई नाइन देयर इज़ ही हैड एन एफ ही हैड एन एफ मीन्स टू हैव समथिंग इन एक्सेस कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आ, एक क्वांटिटी में होना उस सेंस में भी ये होना या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सब्र करना या उसको बर्दाश्त करना उस सेंस में भी ये एक्सप्रेशन बन जाती है इसका जीिंग निकलता है सेंटेंस जो इसका है वो इस तरह से है बिफोर इंडिपेंडेंस एंड दियर इज है कंडीशन ऑफ़ एक्सट्रीम पॉट आज़ादी से पहले जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो ब्रोटेलिटीज थी ओ जबर वो बर्दाश्त किया था टू लेट देम दम कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम पोर्टी और जो अंग्रेज़ों की तरफ से उन पर जो जुल्म रवा था उसकी वजह से वो बहुत हद तक वो एक्सट्रीम पोर्टी मुफलिस का शिकार हो गए थे तो एन एफ हैड एन एनएफ़ मीज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये जो ब्रोटेलिटीज़ थी उनको बर्दाश्त किया था दें दियर इज़ लॉफ आवर सेल्व सिडी लॉफ इन सच ए वे नॉट टू कंट्रोल ऐसी वो वो बिल्कुल एक बेवकूफ़ी की तरह हंसना जो आउट ऑफ कंट्रोल Uh, जैसे हो दैट इसका है आई एंड एंड जेरी मैं और मेरे दोस्त बिल्कुल बेवकूफ़ की तरह हंस रहे थे uh, control, uh, जैसे हम control नहीं हो रहे थे इतना ज़्यादा हंस रहे थे ऑन द एक्शन ऑफ टॉम एंड जेरी जो ये नॉटन कर रहे थे टॉम एंड जेरी जो वो कार्टून होते थे देन देयर इज कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू नॉ टू एबल टू डू समथिंग सेंसिब्ली कोई चीज अपने आप को कोई चीज़ किसी चीज की तरफ जो आप माइल करने की कोशिश करोगे या आ, कोई काम आप करने की कोशिश करोगे लेकिन आप वो नहीं कर सकोगे दैट मीन्स आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट द मार्क्स ऑफ टेनड बाई मी इन द यूनिट एग्जाम तो मैं अपने आप को इस चीज़ की तरफ़ ये कन्वेंस नहीं कर पाता कि मैं बात करूं या ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं बात करूं जो मार्क्स मुझे मिले यूनिट एग्ज़ाम में मैं इस चीज़ की तरफ अपने आप को नहीं ला सकता अपने आप को कन्वेंस नहीं कर सकता या इस पे बात नहीं कर सकता सो डियर व्यूअर्स ये पे कुछ जो फ्रेज़ल वर्ब्स थे वो यहाँ पे हमने देख लिए तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ अ जर्नल व्हाट इज़ अ डायरी व्हाट इज़ अ लॉग एंड व्हाट इज अ मेमोयर ये जो चीज़ें हैं ये क्या है और इनकी जो स्पेसिफिकेशन क्या है या इनकी जो एक दूसरे के साथ जो इनकी जो फ़र्क है वो क्या है इनमें थोड़ी बहुत ये डिफरेंसेस हैं जो इनको एक दूसरे से मुख्तलिफ बना देती हैं जर्नल डायरी लॉग एंड मेमोयर क्योंकि ये जो भी है इनमें सब में जो अपनी लाइफ हिस्ट्री हैं या Uh, आपकी जो रोज़मर की चीज़ें हैं या आपका जो ट्रैवल दूसरी चीज़ें हैं वो लिखी जाती हैं तो इन द सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स व्हाट इज़ अ जर्नल डायरी लॉग मेमोयर तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो मैंने ये ईडियम्स यहाँ पर समझाने की कोशिश की है किसी हद तक आपको ये समझ आई हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव नाइस डे अट थैंक यू